अब मैं इसके बाद तकरीर के लिए दावत देना चाहती हूँ महरीन बारों को कि वो आए अपनी तकरीर पेश करें। विश्व के श्रेष्ठा अल्लाह ने आरंभ से ही मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए अपने दूत नबी भेजे, उन पर अपनी किताब अवतरित की। उन किताबों में ईश्वर के आदेश होते हैं, मनुष्य के जीवन बिताने के नियम होते हैं। उन नियमों के आधार पर समाज में गठन होता है, बुराइयां और अत्याचार मिटाए जाते हैं। कुरान का संकलन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देख रेख और उनके संरक्षण में हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग अलग देश में अवतरित होने वाले अंशों को निश्चित स्थान पर रखवा दिया है। कुरान में मात्र ईश्वर की वाणी है, प्यारे नबी या किसी अन्य व्यक्ति का एक शब्द भी नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उपदेशों आदेशों और शिक्षाओं का संकलित किया गया, जिन्हें हम हदीस कहते हैं। कुरान के वाक्यांश को आयत कहते हैं। आयत कहीं एक वाक्य होता है और कहीं वाक्यांश और कहीं एक दो आयतें मिलकर एक वाक्य बनता है। आयतें कहीं बहुत छोटी एक दो अक्षरों की और कहीं बहुत बड़ी एक या आधे पृष्ठ में फैली होती हैं। आप कई आयतों के समूह को सूरा या सूरत कहा जाता है। हर सूरा एक पूर्ण इकाई होता है, अर्थात अपने उद्देश्य को पूर्ण करती है। कुरान में 114 सूरतें हैं, उनमें कुछ छोटी और बड़ी सूरतें हैं। सबसे छोटी सूरत अल कौसर 3 आयतों की और सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा 286 आयतों की है। बाद के समय में विद्वानों ने कुरान पाक की तिलावत के लिए कुरान को 30 भागों में विभाजित किया है। हर एक भाग सूरा खंड कहलाता है, पारा खंड कहलाता है। 30 भागों में विभाजित होने के कारण इसे सिपारा भी कहा जाता है, क्योंकि फारसी में सी का अर्थ 30 और पारा का टुकड़ा या खंड कहा जाता है। इसकी सुविधा के लिए कुरान को प्रतिदिन तिलावत करना और एक माह में कुरान खत्म करने की ताकीद प्यारे